हे गाइस, वेलकम टू आर ए ट्रिक चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पर ब्लैक टिक कैसे लगाएं, फेसबुक प्रोफाइल ब्लैक बेज कैसे लगाएं। दोस्तों, अभी काफी सारे ट्रेंडिंग में चल रहा है ये फेसबुक पर ब्लैक बेज कुछ इस तरीके का, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। तो इस तरीके से आप भी अपने फेसबुक पर ब्लैक टिक को लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी का प्रोसेस एंड 100% वर्किंग ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट जरूर करना, और आपने अभी तक आर ए ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फेसबुक प्रोफाइल ब्लैक टिक लगाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें एक छोटी सी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। वो बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन है, बहुत ही कम MB का है। आपको प्ले स्टोर पे जाना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना है एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है VI ब्राउजर, देख सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों अब आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। मैं इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड किया हूं तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। और जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को फर्स्ट बार ओपन करेंगे तो यहां पर दोस्तों हमें सर्च बार पर क्लिक करना है। देन उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमें टाइप कर देना है फेसबुक, देख सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइप किया हूँ फेसबुक लॉग इन, देख सकते हैं। और जैसे हम फेसबुक लॉग इन टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों काफी सारे वेबसाइट आ जाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें लॉग इन इंटू फेसबुक, इस पर हमें क्लिक करना है। एंड उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल देना है। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें अपना फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड डाल देना है। एंड उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमें अपना फेसबुक अकाउंट को लॉग इन कर लेना है। जिस भी फेसबुक अकाउंट पर हम ब्लैक बेज को इनेबल करना चाहते हैं वो फेसबुक अकाउंट यहाँ पर हमें लॉग इन कर लेना है। तो फटाफट से दोस्तों यहाँ पर मैं अपना फेसबुक अकाउंट को लॉग इन कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों यहां पर मैं फेसबुक आईडी लॉगिन कर लिया हूं, देख सकते हैं यहां पर। और फेसबुक आईडी लॉगिन करने के बाद दोस्तों अब यहां पर हमें फेसबुक मिल जाएगा, यहां पर देख सकते हैं ब्लैक कलर में। तो अब दोस्तों इस पर हमें क्लिक करना है एंड उसके बाद दोस्तों यहां पर हमें इसको कट करना है, जो ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है उसे हमें कट करना है इस पर क्लिक करके। और कट करने के बाद दोस्तों अब यहां पर हमें सर्च बार पर क्लिक करना है एंड उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको कुछ लिखना है, वो मैं पहले से कॉपी कर लिया हूं तो यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं। और दोस्तों यहां पर जो लिखना है वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर सेंड कर दिया हूं, और मैं अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल को ओपन कीजिए, और जब आप मेरा व्हाट्सएप चैनल को ओपन करेंगे तो जो पोस्ट मैं यहाँ पर किया हूँ वो पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर इस पोस्ट को कॉपी कर लेना इस तरीके से, और कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो मेरा नाम शो कर रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना नाम को डालना है, जो भी आपके फेसबुक पर नाम है वो नाम को यहाँ पर डालना है। दो जगह पर मेरा नाम है, दोनों जगह पर आपको अपना नाम को इंटर करना है। उसके बाद आपको कॉपी कर लेना इस तरीके से। अब आपको फेसबुक को ओपन करना है, देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। मैं आपको यहाँ पर पेस्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मैं पेस्ट कर दिया हूँ। एंड पेस्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको इस सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है। देन उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप सर्च बार पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दो तीन बार इस तरीके से सेम टू सेम यहाँ पर इसे कट करना है, और उसके बाद सेम टू सेम कॉपी जो किए हैं उस कॉपी को यहाँ पर पेस्ट करके सर्च करते जाना है। और जैसे ही तीन चार बार आप पेस्ट करके सर्च करते जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक पेज ओपन होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार में ये पेज काम नहीं करता है, इसीलिए आपको तीन चार बार इस तरीके से ट्राई करते जाना है। मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, देखता हूँ तीन चार बार में काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको एक पेज ओपन होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा पेज ओपन होगा आपको। तो फाइनली दोस्तों पांच बार ट्राई करने के बाद यहाँ पर एक पेज ओपन हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक सर्कल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं सर्कल का ऑप्शन, तो इस पर आपको टिक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे फेसबुक पर ब्लैक बेज लगा है कि नहीं। एंड उसके बाद दोस्तों अभी मेरे फेसबुक प्रोफाइल में यहाँ पर ब्लैक बेज नहीं आया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा प्रोफाइल यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर ब्लैक टिक यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। यहाँ पर मैं रिफ्रेश किया हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है ब्लैक बेज। लेकिन दोस्तों कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, ये जो ब्लैक बेज आप देख रहे हैं ये आप मैन फेसबुक आईडी में नहीं लगा सकते हैं, और न ही आपको मैन फेसबुक आईडी पर ट्राई करना है, और न ही आप मैन फेसबुक में इसे देख सकते हैं। ये जस्ट ट्रिक है, ये ऑफिशियल नहीं है। वो भी ब्राउजर में आप ओपन कीजिएगा अपना फेसबुक अकाउंट तो यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन ये आपको मैन फेसबुक आईडी में नहीं मिलेगा। तो आपको मैन फेसबुक आईडी में भी नहीं ट्राई करना है इस ट्रिक को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और आपने अभी तक आर ए ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई ट्रिक के साथ।